हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में प्रश्न अभी 8.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा 1 प्लस ए का पावर m प्लस 1 के प्रसार में सिद्ध कीजिए कि a का पावर m तथा a का पावर n का गुणांक बराबर है। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी का पावर n के प्रसार में आरवां पद के लिए फॉर्मूला होता है एन सी आर माइनस 1 ए का पावर एन माइनस आर प्लस 1 इंटू बी का पावर आर माइनस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर 1 प्लस ए का पावर एम प्लस एन के प्रसार की बात करूँ तो इसके प्रसार में आरवां पद क्या होगा, तो इसके प्रसार में आरवां पद हो जाएगा एम प्लस एन सी आर माइनस 1 1 का पावर एम प्लस एन माइनस आर प्लस 1 इंटू 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 ए का पावर, देख रहे हैं ना, ये ए का पावर आर माइनस 1, यही ना हो जाएगा आर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी आर बराबर में एम प्लस एन सी आर माइनस 1, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही हो जाता है, तो इसको हटा देंगे, बच जाएगा a का पावर r माइनस 1। तो लिखेंगे a का पावर r माइनस 1 तथा a का पावर m, a का पावर m का ही ना गुणांक पता करना है, a का पावर m और a का पावर n क्या, तो a का पावर m में तुलना करने पर तो हो जाएगा r माइनस 1 बराबर में m, यानी r का वैल्यू आ जाएगा m प्लस 1। यहाँ पे रख देंगे t m प्लस 1 बराबर में m प्लस n c, r के जगह पे m प्लस 1 माइनस 1 है, फिर a का पावर m प्लस 1 माइनस 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ भी 1 से 1 कट जाएगा, m प्लस n c m इंटू a का पावर m। अब देखिए इसका हम लोग तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है, आपका इसका आ जाएगा m प्लस n का फैक्टोरियल बटा में m का फैक्टोरियल और फिर आपका m प्लस n माइनस m का फैक्टोरियल इंटू a का पावर m, m प्लस n का फैक्टोरियल बटा में m का फैक्टोरियल, यहाँ m से m कट जाएगा, n का फैक्टोरियल बचेगा, और इंटू में a का पावर m, तो यहाँ से आपका a का पावर m का गुणांक निकल गया ना, a का पावर m का गुणांक जो आया वह आ गया m प्लस n का फैक्टोरियल बटा में m का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल। अब देखिए अगला हम लोग a का पावर n का भी गुणांक निकालना होगा ना जी, चलिए तो लिखेंगे r, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं क्या था, टी आर बराबर में ये जो ऊपर आया था ना टी आर बराबर में, ये वाला यहाँ लिख लेते हैं, टी आर बराबर में क्या है, एम प्लस एन सी आर माइनस 1 ए का पावर आर माइनस 1, तो ए का पावर आर माइनस 1 तथा ए का पावर एन में तुलना करने पर चलिए क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 बराबर में एन, यानी आर का वैल्यू आ जाएगा एन प्लस वन। अब चलिए निकालते हैं यहाँ से टी आर के जगह रख देंगे एन प्लस 1 बराबर में एम प्लस एन सी एन प्लस वन और फिर यहाँ माइनस 1 है ए का पावर एन प्लस 1 माइनस 1, यहाँ 1 से 1 कटा, यहाँ भी 1 से 1 कट गया। आगे देखते हैं m प्लस एन सी एन ए का पावर n, चलिए इसको तोड़ते हैं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के, क्या हो जाएगा यहाँ पर, m प्लस एन का फैक्टोरियल बटा में n का फैक्टोरियल इंटू m प्लस एन माइनस एन का फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू a का पावर n, n से n कट गया, यहाँ पे m प्लस एन का फैक्टोरियल बटा में ये m का फैक्टोरियल और यहाँ n का फैक्टोरियल इंटू a का पावर n, तो यहाँ देखो तो a का पावर n का गुणांक आ गया, a का पावर n का गुणांक सेम वही आ गया, m प्लस n का फैक्टोरियल बटा में m का फैक्टोरियल इंटू n का फैक्टोरियल, देखे तो दोनों का गुणांक समान आ गया ना, साबित हो गया, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन